धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। YouTube पर सर्च करें धाकड़ खबर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करें। लेकर महिलाओं से लेकर के बुजुर्ग सब जंतर मंतर पे खड़े हो जाएं, ये देश की खूबसूरती नहीं है। ये देश की खूबसूरती नहीं है और ये देश का अच्छा नहीं माना जा सकता। हम अभी देख रहे हैं यहाँ से प्रोटेस्ट गया है, सेना वाले लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार इस साइड आ जाते हैं। हो सकता है उनकी कोशिश हो लोगों को उकसाने के लिए। आपको याद होगा ऊना जो कांड हुआ था, उसके बाद जब यहाँ दलित समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई ऐसे ही लोग थे, उन्होंने आके दलित समाज के लोगों की सरेआम पिटाई कर दी थी पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस को इस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए, इधर वो लोग ना आए और आए तो इस तरीके से हालात भड़क सकते हैं, उन्हीं में से कुछ कर सकते हैं। और लोग भी हमारे साथ बढ़े, महिला जैन से हैं, जामिया, सॉरी जामिया से। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है, जो अपने पावर है उसको यूज़ करें, ना कि ट्विटर पे जाके वो कंडेम करें किसी भी चीज़ को। उनकी वो उस पोजीशन पे नहीं है कि उनको कंडेम करना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए। कंडेम तो हम लोग रोज़ करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। यानी कि वो ना करें कि लखनऊ पहुंचे यूनिवर्सिटी में, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था और वहाँ जाके रोहित में बोला कि कहा कि भारत माँ भारती ने लाल को दिया, आप रो क्यों रहे हो? आप तो प्रधानमंत्री एक्शन करके दिखाओ। कहना है कि उनको जो ठोस एक्शन लेना चाहिए ऐसे गुंडों के खिलाफ जो देश में एक तरह से दहशतगर्दी फैला रहे हैं, देश के भाईचारे को तोड़ रहे हैं, लोगों को कहीं भी मार रहे हैं, कहीं गंगेश को मार देते हैं, कहीं पे वो लड़का है दूसरा वो भी रोहित को मार देते हैं, कहीं पे जुनेद को मार देते हैं। तो उनका कोई धर्म थोड़ी है भीड़ का, कोई धर्म थोड़ी है तो किसी को भी। आज एक, मेरा नाम आदिल है, मैं निजामी हूँ। आज एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर भारत में कुछ भी होता है तो कुछ दिनों बाद एक बयान आता है कि हमें इस चीज़ का फील। हम चाहते हैं कि ये जो ट्रेंड बन गया है इसको बदला जाए। आप अगर कुछ समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, किसी के खिलाफ भी, किसी के साथ भी हो, प्रधानमंत्री को या सरकार को चाहिए कि उस पर एक्शन लिए। खेत जताने से या बहुत समस्या बढ़ जाने के बाद ये कह देने से कि मैं इस चीज़ को नहीं सहूंगा, कोई हल नहीं। हमें समस्या पर काम करना है। कल कोई लड़का मरता है, आज कोई मरा है, कल फिर कोई मरेगा। हमें आगे होने वाले हादसों को रोकना है। अगर हम ये नहीं रोक सकते तो फिर आप सरकार में बैठे हैं, एक्शन लीजिए। बातें बनाने से कुछ नहीं, बातें तीन साल से लोगों ने बहुत सुन ली है। प्रधानमंत्री की बात करें, कंडेम की बात करें, मैं कहता हूँ देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री। अब से पहले भी उन्हें दो महीने पहले यही बात कही थी, गोरक्षक जो है गुंडे हैं, क्रिमिनल है, अपराधी है, इनका डोजियर तैयार की। तो मैं कह रहा हूँ कि झूठ बोलता है, ड्रामा करता है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री सीट पर बैठे हुए उसकी गरिमा को आप ध्यान में रखिए। आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, आपके पास प्रशासन है, आप क्यों नहीं एक्शन ले लेते हैं? तो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ,
आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे प्रधानमंत्री देश के, अगर आप दुनिया में घूम रहे हैं तो एटलीस्ट अपने देश के अंदर घूमिए कि माइनॉरिटी को मारा जा रहा है, दलित को मारा जा रहा है। आप देख रहे हैं जब से 2014 से सरकार आप सत्ता में है, आप कंटिन्यू इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और आप कंडेम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की बात नहीं होती है, आपको इन पर एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की कोई घटना नहीं घटना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस संविधान से बिलोंग करते हैं हम अमन और शांति चाहते हैं। अभी देखे होंगे कि देश में कितनी घटना घटी है, आपने देखा होगा जिसके साथ भी जो भी घटना घटी है उसने एक हाथ नहीं उठाया, एक हाथ तक नहीं उठाया। क्यों? कि हम अमन और शांति यकीन करते हैं। देश के प्रधानमंत्री फिर से कहना चाहता हूँ, एक्शन लीजिए, बात बनाने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। तो जामिया के स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे एक बात भी करना चाह रहा हूं, क्योंकि आजकल इनके यहाँ वीसी बन के पहुँच गई हैं नजमा हेपतुल्ला, और जब से पहुँच गई हैं जामिया वैसे शांत था, वहाँ भी कुछ हंगामे धरने प्रदर्शन शुरू होने लगे हैं, एक इफ्तार पार्टी में कुछ हंगामा हुआ, क्या था पूरा मामला? वो पहली बात, नजमा हेपतुल्ला साहिबा जो हैं वो वाइस चांसलर नहीं, वो चांसलर हैं। अच्छा। और जामिया में जो चांसलर होते हैं उस तरीके से होता है जिस तरीके से देश के राष्ट्रपति। तो मैं तो जामिया में वीसी नहीं होता, मैं क्लियर कर लूँ ना यार अपने आप को, वाइस चांसलर होते हैं, चांसलर वो बनी है। अच्छा। इस जी तो वो चांसलर का उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन का देखने का है, उनका पूरा रोल नहीं है, ठीक है। चांसलर बनाने का काम, वाइस चांसलर बनाने का काम देश की सरकार का है और वो इस देश की सरकार के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ जामिया में हुआ क्या था? नहीं, जामिया में हुआ ये था कि इस देश के अंदर में एक बहुत बड़ा आतंकी है जिसका नाम है इंद्रेश कुमार, उसने चार बड़े दंगे बम ब्लास्ट कराए हैं, समझौता उसमें नाम एक्यूज्ड है, आई एम नॉट कन्विक्टेड कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ नाम है उनका, मालेगांव में, मक्का मस्जिद के अंदर में, अजमेर में के अंदर जो ब्लास्ट हुए हैं उनके में वो अक्यूज्ड हैं, और उस अक्यूज्ड को सरकार के प्रेशर में एक सो कॉल्ड मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है जिसको हम सब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को कंडम करते हैं, उसने एक अवतार पार्टी का आयोजन किया, वो अवतार पार्टी के अंदर का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जी बिल्कुल आरएसएस का विंग बताते हैं उसको, उसमें इंद्रेश कुमार को वेलकम किया और इंद्रेश कुमार ने वहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे और आए भी। क्यों आए? हमने प्रदर्शन किया, हम सब रोजे में थे, मैं खुद हमारे साथ इतने लोग सब रोजे में थे, पूरा जामिया का हर एक स्टूडेंट रोजे में था और पुलिस की ज़बरदस्त भीड़ थी। आज अभी आपने देखा कि प्रोटेस्ट में कितनी कम भीड़ है, हमारे वहाँ जामिया के अंदर में जब प्रोटेस्ट हुआ था तो 700-800 CRPF के जवान और दिल्ली पुलिस की तो ना जाने कितनी बटालियन थी, पूरा दिल्ली को लगता था जामिया को बॉर्डर बना दिया है। कई स्टूडेंट्स को मार भी लगी है, मार लगी, हमें चोटी आई, हमें मारा गया, गाली गलौज किया गया, जिस तरीके से हमसे ट्रीट किया गया। चाहते थे कि वो इफ्तार पार्टी जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कर रहा है वहाँ पे ना हो? हम चाहते थे कि वो जो जमीन है वो जमीन गांधी की है, वो जमीन गांधी जेहरू सैकुल हिंद की है, वो जौहर की है, उसकी बुनियाद जिसने रखी है उसके हत्यारे को हम वहाँ बुला करके अवतार कराएं, ये हमसे मुनासिब नहीं होगा। क्या इससे पहले कभी हुआ ऐसा JNU में? जामिया में? जामिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ, और हमारा मुद्दा भी यही था कि जामिया में किसी भी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश ना हो जिनके हाथों में इतने बड़े बड़े जुर्म, जिन्होंने इतने बड़े बड़े जुर्म किए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जैसा कि भाई ने बोला अभी कि गांधी नजमा जी आ गई तो आपके यहाँ ये हो गया पॉसिबल, इसलिए चाह रहे थे कि नजमा जी जामिया में आकर के जो उनकी गतिविधियाँ वो बढ़ाना चाह रहे हैं, जो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ABVP हुआ या दूसरे संगठन जो जामिया में काम कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का नजमा हेपतुल्ला काम करेंगी। हमारा से प्रोटेस्ट इसीलिए था, हमारी अपोज इसीलिए हम कर रहे थे कि वो चांसलर ना बने ताकि ये गतिविधियां रोकी जाए। मतलब जामिया में भी बवाल अब शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में तीन सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जामिया, MU और हैदराबाद उस्मानी यूनिवर्सिटी। लगातार जब से 2014 के बाद ये सरकार बनी है, लगातार इन माइनॉरिटीज में, मतलब इन इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने अपना मतलब कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रही है, पैंट बना रही है, JNU को तो आतंकवादियों का अड्डा बता दे रहे हैं। मतलब वही बात तो वही है ना, जो आइडियोलॉजी है, मतलब उनकी कितनी नेगेटिव आइडियोलॉजी है, वो जो नेशनलिस्ट, मतलब कहने का मतलब एक 1929 में 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसमें जामिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। लेकिन लगातार जब से 2014 के बाद कि सरकार बनी है, इस सरकार ने लगातार इनको अपने अपोज में करने की कोशिश की है, लगातार इन पर अटैक किया है, लेकिन ऐसा हमारे वहाँ बिल्कुल नहीं है। सेकुलरिज्म है, शांति है, नेहरू, आज़ाद और जौहर की जो ज़मीन है वहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, वहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप भी थी उधर उस प्रोग्राम में? थी। क्या हुआ? देखिए, वो
पूरा प्रोटेस्ट जो था, हमें प्रॉब्लम थी कि जामिया की ज़मीन किसी भी इंसान को क्यों दी जाती है, और स्पेशली एक ऐसे इंसान को जो ना तो आपकी किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखता है, ना जामिया से कोई उसका लेना देना है, वो वहाँ पर आ रहा है और उस बंदे के ऊपर चार चार बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप हैं, तो ऐसे इंसान को जामिया में आने का कोई मतलब एक उसका एक रीज़न नहीं था। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने उसका बहुत कड़े से कड़ा विरोध किया, उसके बाद में हम लोगों पे जो लाठियां बांधी गई। मतलब आपके प्रोटेस्ट के बाद भी उनका हुआ ना इफ्तार पार्टी, पूरा का पूरा इफ्तार हुआ, लेकिन हम लोगों का अपना क्या, हमने अपोज किया, जो हम लोगों का फर्ज बनता था हम लोगों ने उसको अपोज किया। अपना कर्तव्य निभाया, अपना फर्ज निभाया, अपना प्रोटेस्ट किया।